चीनी मिल का पेराई सत्र आगामी 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर मिल प्रशासन जहां तैयारियों में जुट गया है, तो डोईवाला चीनी मिल से जुड़े सैकड़ों गन्ना किसान भी अपने गन्ना भुगतान के साथ ही गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर तैयार हैं। आपको बता दें, चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों का 10,72,00,000 बकाया है। गन्ना किसान समिति के चेयरमैन मनोज नौटियाल का कहना है कि गन्ना किसानों को समय से उनका भुगतान नहीं होने से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों को इस बार सरकार 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य निर्धारित करे ताकि किसानों का आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। सबसे पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इस बार का जो इलेक्शन हुआ उसमें मुझे किसान भाइयों ने यहाँ पर चेयरमैन के पद पर निर्वाचित करवाया। मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। यहाँ पर जो किसानों की हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। किसानों की रोजी रोटी यहाँ पर मुख्य रूप से जो व्यवसाय है वो गन्ना ही है, और गन्ने के अगर समय पर भुगतान ना हो तो किसान की स्थिति को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार उसकी वो लगभग इस मिल को पूरा जो रकबा आता है, अगर 30 लाख क्विंटल इसको गन्ना देना है, उसका 50% हम लोग डोईवाला के किसान देते हैं। देश में बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सरकार को 1 अप्रैल 2020